हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट करा है और मेरे सारे क्लासेस लग चुकी हैं और आपको पता ही है जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो 12 o'clock के बाद ही होता है। तो अब मेरी क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट क्लास मेरी 12:40 की थी, वो मैंने लगा ली है, हिंदी की थी। और अब मुझे थोड़ी भूख लग पड़ी है तो मम्मा अब मेरे लिए किचन में परांठे बना रही है। और मम्मा को उठा उठा के मैं थक गई सीरियसली। मतलब मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊंगी तो मम्मी फिर उठेंगे, मतलब उठाना मुश्किल हो रहा था तो मैंने उन्हें उठाया ही नहीं, मतलब उसके चक्कर में। फिर अब मेरी क्लास खत्म हुई तो फिर मैंने ज़बरदस्त उठाया, मैं क्या मम्मी उठो मुझे भूख लगी। तो मम्मी अब उठे हैं और मेरे लिए मतलब ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। हमारे घर के प्यारे सदस्य भी उठ चुके हैं, इनकी गुड मॉर्निंग भी मम्मी के साथ ही होती है। इतने लेट हैं ये दोनों, आलसी के आलसी, ये बहुत आलसी हैं दोनों। मतलब मेरे से सीखो, मैं सुबह ना 7 o'clock उठती हूँ क्योंकि सिर्फ मॉर्निंग 8 o'clock मेरी क्लास होती है। आज मैं थोड़ा लेट हो गई तो 7:30 हो गए थे। सो यार आज का शेड्यूल तो कुछ वैसे कुछ खास है नहीं। आज का मौसम भी बहुत ख़राब है और मैंने सुनने में आया था वेदर फोरकास्ट में कि जो यहाँ का वेदर है ना वो 21 तक ऐसा ही है, मतलब बादल ही बादल है और इतना इरिटेटिंग है ना सच्ची में। और उसके बाद आज पापा गए होंगे मेरे स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं लाइक बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड्स। सो या, और मम्मा भी किचन में हैं, खाना खाएंगे उसके बाद आपको ब्लॉग की कंटिन्यूटी देंगे। तो उसके लिए बने रहिए व्लॉग में। बाय बाय। ये बन गए हैं गरम गरम परांठे। वाओ, जैसे कि आज का ब्लॉग कृषिका ने शुरू करा था तो मैंने अभी लेट ही उठती है यार, मैं आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था तो मैं लेट उठी आज। तो वो भी मुझे इसने उठाया कि खाना खाना है मुझे, ब्रेकफास्ट बना दो। तो मैंने बनाए हैं परांठे और इसकी क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गई हैं अभी। तो अभी मैं हाफ डे पे जाऊंगी ऑफिस और एक दो काम है वो मैं निपटाऊंगी। और उसके लिए आप मेरे साथ बने रहो ब्लॉग में आके, देखते हैं कि आज के काम होते हैं कि नहीं होते हैं। बाकी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं करने क्या वाली हूँ। और मुझे थोड़ा सा सजेशन चाहिए उस चीज़ में कि मैं कौन सी चीज़ लूँ, वो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। तो अभी फटाफट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, अभी 1:15 और मुझे पहुंचना है अभी फटाफट से ऑफिस। तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। मैं हो गई हूँ अभी ऑफिस के लिए रेडी और मैं फटाफट से निकल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:45 और क्लाइंट बैठा है ऑफिस में, वो काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहा है। तो बस अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। और बाकी आज कुछ खास नहीं है, बट हाँ एक दो जगह जाना है मैंने जिसके लिए मुझे आपकी राय की ज़रूरत पड़ेगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए।
आईटी पार्क में दिया है, ये बनाते हैं एग ऑमलेट, बहुत टेस्टी। अगर किसी को भी रात को कुछ भी खाने को ना मिले तो यहाँ आ जाए एक बार आईटी पार्क में, यहाँ पे इनके पास आके ये खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। मैं पहुंच गई हूँ घर, बज रहे हैं अभी 10 और अभी कुछ नहीं, फ्रेश होके फेस वॉश करके लगाते हैं फेस मास्क सीट अच्छे वाली। अब दो है, कौन सा लगाऊं समझ नहीं आ रहा, एक ये पड़ा है मेरे पास और एक ये पड़ा है मेरे पास, तब किसको लगाऊं समझ नहीं आ रहा। डिटेल लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतनी धूप होती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता डिटेल लगाना चाहिए, तो मुझे लग रहा है अभी यही वाला लगाते चाहिए, तो मैं अभी यही वाला लगाऊंगी अपने फेस पे, तो अभी मैं लगा लूँ फिर बात करते हैं। मैंने लगा लिया है फेस शीट मास्क, अब इसके बाद 15 मिनट हम इसको ऐसे लगा रहने देंगे। नो बातचीत, सब चीज़ें कर ली आज, लाइसेंस भी अप्लाई हो गया, कोर्ट भी चली गई थी मैं वहाँ पे, सब चीज़ें करवा ली आज। और टाइम मतलब इतना ज़्यादा बिजी था शेड्यूल कि मुझे टाइम ही नहीं लगा आगे कि मैं मतलब उसको आप लोगों को कुछ शो करती वहाँ पे, क्योंकि यार पुलिस वगैरह होती है ना वहाँ पे, तो खुद कोई फील अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम लोग वहाँ पे कैमरा लेके ऐसे ऐसे मतलब कुछ कर रहे हैं अपडेट। और अभी घर आके मैंने शीट मास्क लगा लिया था, सीरम अभी फेस पे लगा हुआ है मेरे, तो वही चीज़ की कुछ मीठा खाना है, तो अभी मैं गाजर का हलवा इसको करूँगी अभी मैं गर्म, तभी मैं खाने लगी हूँ गाजर का हलवा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, मतलब कोई दिन सीरियसली ऐसा निकलता है कि 2 मिनट के लिए भी टाइम नहीं लग पाता कि हाँ जी कुछ चीज़ें हम लोग देखें या कुछ करें, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है शेड्यूल मेरा, तो आज सच में बहुत ज़्यादा था बिजी शेड्यूल, क्योंकि 2-3 दिन वैसे ही घर पे थे, मतलब छुट्टियाँ छुट्टियाँ मार रखी थी, तो आज वो भी हाफ डे पे ऑफिस गए, तो बिजी रहा शेड्यूल। अब कल देखते हैं कल का शेड्यूल क्या है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैंने उठना कितने बजे और मैंने जाना कितने बजे ऑफिस, तो अभी फ़िलहाल जब तक गाजर का हलवा गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ बातें कर लें आपके साथ, क्योंकि आज बातें हुई नहीं यार बहुत। मतलब सब्सक्राइब कर दो यार चैनल, प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ चीज़ें अगर मतलब नहीं लग रही आपको कि कुछ चीज़ें मुझे दिखानी चाहिए या हाँ ठीक है नहीं अभी थोड़ा बहुत समझ आता है, तो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम ये चीज़ें आप मुझे दिखा सकते हो। बाकी प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेन तो सब्सक्राइब है, सपोर्ट करो। बाकी थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। और बाकी हलवा मेरा हो गया गर्म, अभी कभी खाते हैं गाजर का हलवा। अब मैं तो लगी हूँ गाजर का हलवा खाने और साथ के साथ मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और बाकी कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।